मैं मिशनरी जूनियर डिग्री कॉलेज करेस्पॉन्डेंट निष्पस फर्जीन अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल से कॉलेज ज्वाइन कर रही हूँ जूनियर और डिग्री कॉलेज। अल्लाह का फजल है, अल्लाह के फजल और करम से 90% अबव एंड रिजल्ट आता मेरे कॉलेज का। लास्ट 2 ईयर से पैंडमिक की वजह से कोई ऐसा प्रोग्राम कन्वोकेशन ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेशन नहीं हुआ, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 ईयर्स के स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन डे हम लोग यहाँ पे फेलिस्ट्रेट कर रहे हैं। हमारे महमूद साहब चीफ गेस्ट हैं, महमूद अली होम मिनिस्टर साहब चीफ गेस्ट हैं, मुमताज़ खान देवे साहब भी आ रहे हैं। अलग वजह से 200 के ज़्यादा बच्चे हैं जो आज ग्रेजुएशन डे में फेलिस्ट्रेट किया जा रहा है। और हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है कि बेहतर से बेहतर तालीम फ्राहम कर सके स्टूडेंट्स को और ओवरऑल बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप कर सकें, ग्रूम कर सकें। उनकी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है, उनकी जो सब ट्रेनिंग वगैरह है कंपनीज वगैरह से आके वो सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। और बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मेरी पहली कोशिश रही और दुआ है अल्लाह से कि हर बच्चे को अल्लाह तालीम याफ्ता बनाए, सेहत याफ्ता हर कोई बनना, तालीम याफ्ता बनना बहुत अहमियत का है। तालीम की कमी हो तो अगर तरबियत जो है ना उसको कवर कर सकती है, लेकिन तरबियत अगर ना हो तो इन कितनी भी हासिल करो कामयाबी नहीं मिलती, मुश्किल है। तो मेरी हर पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी तरबियत दे सके ताकि कॉलेज में स्कूल में आके वो अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन कर सके और कामयाबी हासिल कर सके। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरा फारूक साहब ने मेरे बारे में दो बात कहे कि महमूद अली साहब पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और आज होम मिनिस्टर है। मैं इनकी बात कहता हूँ, मैं आप सब भाइयों और भाइयों का खादिम हूँ, मुझे खिदमत करने के लिए ये होता दिया गया, इसलिए मैं खातिर तमाम जिला मदरों में सबकी खिदमत करता हूँ। और खासतौर से आज इस मदरसे के रीजनल कॉलेज के सेक्रेटरी मोहतरमा बिल्किस फरजीन साहब, जनाब फारूक साहब जो तेलंगाना मूवमेंट में भी एक बार में फारूक साहब के पास गया था, बहुत से उन्होंने समझाया था तेलंगाना भविष्य में क्या फायदा है और उन्होंने उस वक्त मेरी सपोर्ट भी की थी, मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलामुद्दीन मुजाहिद साहब, जब मैं उनकी तकरीर सुना हूँ कि इन्होंने मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो तालीम के बारे में उन्होंने इजाज़त जारी किया और क्या डिग्री क्या तालीम एजुकेशन देना चाहिए, उन्होंने कहा कि लायक बनना चाहिए, यकीन ज़रूर बनना चाहिए, जिसकी वजह से हम तमाम लोगों की खिदमत कर सकते हैं। रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे जनाब सैयद फहीमुद्दीन साहब इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स और जनाब अरशद भाई साहब और डेस्क पर बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों और आज खासतौर से हमारे स्टूडेंट साहब मेरे नौजवानों मेरे दोस्तों और भाइयों बहनों, तालीम के मामले में यकीनन हम लोग वही लोग किस्मत वाले जिसने तालीम मिल सकती है। तालीम एक बहुत बड़ा सरमाया है, उसकी मिसाल किसी से भी नहीं ली जा सकती और टीचर्स यकीनन हमारे लिए फरिश्ते के मानिंद हैं, वो लोग अपने बच्चों की तरह आपको तालीम देते हैं, हम उनका बहुत एहतराम करना चाहिए। एक बात सुनाना चाहता हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बहुत ज़्यादा एटम बम इस मुल्क पर पड़े थे, वहाँ जब एक मीटिंग हुई वहाँ कहा गया कि हमारे फौजी मर चुके हैं, प्रॉपर्टी तबाह हुए और हमारे टीचर्स मजबूत हैं, जिस मुल्क में टीचर रहते वो मुल्क तरक्की कर सकते। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ तालीम की अहमियत, तालीम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए आजकल, तो खासतौर से हमारी कम्युनिटी को तालीम की ज़रूरत है और लड़कों के साथ लड़कियों की तालीम बड़ी अफजल तालीम। मुजाहिद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि नौजवानों की जो तालीम होती है वो अपने मुल्क अपने खानदान अपने फैमिली को संभाल सकते हैं और लड़कियों की जो तालीम उससे अफजल होती है वो तो सारे कुत्ते को तालीम दे सकते हैं। तो तालीम की अहमियत इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा है, दूसरे मजहबों में मैं नहीं जानता हूँ, इस्लाम में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे जो पहले नई नाजिल हुई थी तो तालीम के बारे में और बहुत मशहूर कई अख्यात है कि आदमी अगर चीन तक भी जाकर तालीम हासिल करना है तो जरूर हासिल करने की हिदायत दी गई, तो तालीम सही हम तालीम कर सकते हैं मगर तालीम के नहीं कर सकते। और जो लोग तालीम देना चाहते हैं जैसा हमारे फारूक भाई की तरह यकीनन वो बड़े 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 महान इंसान होते हैं जो दूसरों को तालीम देना चाहते हैं। अभी इस्लाम का साबित नहीं है कि हमारे जमात इस्लामी में
हम अपने तरफ से बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, कुछ फंड भी दे रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, तेलंगाना तहरीक में सबसे 40 कोई लोग थे या साथ देने वाले थे तो जमाते इस्लामी थी, तो हमारी मूवमेंट को साथ ही दूर के लोग डरते थे मूवमेंट को साथ देने के लिए। तो मैं सभी जमात इस्लामी के तमाम जिम्मेदारों का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तालीम के बारे में जमात इस्लामी भी हमेशा आगे बढ़ते रही, और तालीम बहुत ज़रूरी है। जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिस तरह एक पत्थर जो गोलगुंडे से निकला था वो कराचा के बाद कोहिनूर बना, वो यहाँ से कहाँ तक चलेगा आप जानते हैं। तो तालीम वही है, बच्चे अगर तालीम हासिल करेंगे और बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं और आगे अपनी नज़र को भी सुधार सकते हैं। तो तालीम की अहमियत जितनी भी दी जाए कम है, और टीचर्स का बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। टीचर्स हमारे लिए अपने बच्चों से ज़्यादा हमें चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि दुनिया में जो दो इंसान है खुश होने वाले, अगर कोई इंसान की तरक्की पे तो वह आपके माँ बाप नजर आए, आपके टीचर्स, वो यही चाहते हैं कि हमारे लड़के हमारे शागिर्द अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करें। आज दुनिया में कितने बड़े इंसान हैं अच्छे उस्ताद होने की वजह से वो तरक्की कर सके, अच्छी तालीम हासिल कर चुके हैं। तो तालीम के बारे में इस वक्त जो आज जो हालात है आजकल के हमारे खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुसलमानों के हालात में तालीम के लिए बहुत ज़रूरी है, बगैर तालीम के हम तरक्की नहीं कर सकते। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो हमें रास्ता दिखाती है, आगे बढ़ने के मौके फराहम करती है। तेलंगाना स्टेट बनने से पहले 65 साल तक दो हुकूमतें थी, तेलुगु देशम और कांग्रेस, और 65 साल दौर में सिर्फ 12 रिजर्वेशन स्कूल थे जिसमें 2800 बच्चे पढ़ा करते थे। हमारे CM साहब ने हमने गुजारिश की कि माइनॉरिटी के रिजर्वेशन स्कूल होना चाहिए। CM साहब ने कहा आप बेफिक्र रहिए, तेलंगाना बनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलेंगे। CM साहब ने 3 साल के अंदर 204 रिजर्वेशन स्कूल खोले जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियाँ तालीम हासिल करते हैं, और 1,40,000 में 58,000 लड़कियाँ तालीम हासिल करते हैं। लड़कियों की तालीम की बड़ी अहमियत है। तालीम एक ऐसी चीज़ है इंसान को जितना से ऐसी कोई लिमिट नहीं है, अब जो उम्र में भी तालीम हासिल करें कम है। अभी हमारे जिला मुजाहिद साहब ने कहा कि 1,40,000 के बारे में कहें, यकीन अक्सर लोग आते हैं मेरे पास, मैं उनसे कहता हूँ कि हमारे बच्चे लायर बनना चाहिए, हमारे बच्चे IAS बनना चाहिए, हमारे बच्चे IPS बनना चाहिए, हमारे बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, क्योंकि हम सारे खौफ की खिदमत करते हैं। कुछ दिन पहले मेरे एक अजीज का बच्चा मेरे पास आया था, आके मुझसे कहा मैं आज क्या करें, तो बोला अभी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। ये चीज़ अच्छी बात है, तो नहीं शुरू शुरू में देरी क्यों हुई तो हमारे माँ बाप भी मुखालफत कर रहे थे, फिर हम मुफ्ती साहब को पास जाकर फतवा लेकर आए ला कर सकते हैं, लोगों की खिदमत कर सकते हैं। तो बाद मुसलमानों के बाद का डर है कि ला करने की वजह से ऐसे लोगों का भी केस बनना पड़ता है जो जुर्म करने के बाद वो मुजरिम साबित होते हैं। पर देखिए कानून के लिए तो लायक होना बहुत ज़रूरी, और आजकल तो मुसलमानों को यकीनन लायक बनना चाहिए। मैं खुद ने भी एक कोर्ट से अभी बताया मैं मुजाहिद साहब को कोर्ट सिटी में एक लॉ कॉलेज के लिए मैं खुद हुकूमत से रिपोर्ट किया हूँ, इन शाला ये साल एक लॉ कॉलेज कोर्ट सिटी में खुल जाए। जो इस्लामिया कॉलेज है उन्हीं को परमिशन के लिए मैंने रिक्रूट किया है, क्योंकि पुराने शहर में लॉ कॉलेज नहीं है, एक ही मुकम्मल का कॉलेज के अंदर ही कॉलेज का एडमिशन मिलता है, उसके अलावा कहीं पर भी मुसलमानों को मौके रहे। उर्दू जबान की तरक्की के लिए हमारे CM साहब ने काफ़ी उर्दू की तरक्की की कोशिश की है। मैं सबसे अहम बात बताता हूँ, पहले जितने हमारे कलेक्टर थे या जितने कमिश्नर या DCP हो करते थे वो उर्दू पढ़ना नहीं आता, कोई उर्दू जबान नहीं होता था। हमारे CM साहब ने 66 उर्दू ऑफिसर को अपॉइंट किया। वो क्या करते हैं, हर मिनिस्टर के पास रहते हैं, चाहे विजय हो चाहे DG साहब के पास हो, कमिश्नर साहब के पास हो, कलेक्टर के पास हो, कोई पहले लेटर लिखते हैं, भाई कैसे लेटर लिखते हैं, तो फॉरन ट्रांसलेशन करके देते हैं। उसका जवाब भी CM साहब ने कहा ट्रांसलेशन करने के बाद किसी उर्दू का जवाब उर्दू में देना चाहिए। तो हमारे उर्दू ऑफिसर के तहत तमाम लोगों को जो सवाल करते हैं या फरियाद बताते हैं तो उसका जवाब उर्दू में दिया जाता। और दूसरी बात है, इस मरतबा 92,000 जात मिले, और उसे पहली स्टेट है हमारे तेलंगाना के अंदर जिसको उर्दू में भी मुनासर किए जा रहे हैं। तो साबिका में तेलुगु में और अंग्रेजी में मुनासर किए जाते थे, उर्दू का नहीं था। CM साहब ने इस मरतबा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 के बुक्स को ट्रांसलेशन करके पब्लिक के लिए फ्री दिए जा रहे हैं। तो मैं तमाम मेरे बहनों से भाइयों से गुजारिश करता हूँ, अरे मेरे एग्जाम से आप बैठिए,
ज्यादा उर्दू में लिखिए तो लोग उर्दू जानते हैं, क्योंकि जो दीनी मदरसों में ताली बांध करते हैं वहाँ पर भी अंग्रेजी सिखाई जा रही है। और उर्दू में भी इस मरतबा सी एम साहब ने इसलिए मौका दिया कि आपको 4% रिजर्वेशन को मिलता है, और सी एम साहब ये चाहते हैं कि 12% मिलना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने असेंबली काउंसिल गवर्नर से अप्रूवल ले चुका है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास मीटिंग में है। तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त जब भी आएगा उसके लिए हम कोशिश करेंगे, और जब तक उन्हें मुलाजिमतों में अच्छे मौके फराहम करने के लिए सी एम साहब ने जितने एग्जाम मुनद हो रहे हैं उसमें उर्दू में मुनद करने के हुकूमत को हिदायत दिए ताकि उर्दू में एग्जाम दिया जाए, उर्दू में जवाब दिया जाए। मेरी बहनों से मेरे भाइयों से एक गुजारिश करता हूँ, जो भी मुलाजमत करना चाहते हैं जिसकी उर्दू अच्छी है, अंग्रेजी अच्छी है तो जरूर लिखिए, और अंग्रेजी जिसकी कमजोर है उर्दू में भी उसको आंसर लिख सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमतें मिलेंगे। तो मेरी बहनों से, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो चुका, क्योंकि हमारे पास इलेक्शन का माहौल है थोड़ा मसरूफ होने की वजह से, तो मेरी बहनों और भाइयों से कहता हूँ एक ही चीज़ है, तालीम। बस तालीम चाहिए मुसलमानों को, मुसलमानों को आज चाहिए तो सेकुलरिज्म चाहिए, फिर तालीम चाहिए। सेकुलरिज्म ऐसे सेकुलरिज्म की अब दाइर करना चाहिए जो फिरका परस्ती से दूर रहते हैं, और जो चाहते हैं कि इसी कंट्री में हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहे, और जिससे गंगा जमुना तहजीब कहते हैं और तहजीब में रहे उसके साथ तरक्की भी करें। तो ऐसे लोगों की हम सपोर्ट करना चाहिए जो सेकुलर होते हैं। यहाँ तो अल्लाह के फंसे तेलंगाना के अंदर हम और एम आई एम पार्टी दोनों मिलकर मतलब अलाइंस के साथ काम कर रहे हैं। इलेक्शनों में भी हम कोशिश करते हैं जहाँ मुसलमान ज़्यादा होते हैं वहाँ एम आई एम जीतिए, और मैं कोई इतना दे देता हूँ कि खिलाफ हम बहुत सख्ती से मुजाहरा नहीं करते, और दूसरे सीटों पर हम भाजपा पर लड़कर अच्छे अच्छे सीट जीत कर हुकूमत बनाते हैं, और हुकूमत में जितना सी एम साहब हमारे सेकुलर है मैं समझता हूँ वैसा हिंदुस्तान में कोई नहीं कर देंगे। हमेशा मुसलमानों के बारे में कहते हैं तो मुसलमानों को भी मसावा का हक मिलना चाहिए, जो भाई हिंदू भाई को जो चीज़ मिलता है वो मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। मुसलमान भी आगे आधे हजारों साल से यहाँ पर हुकूमत की है, यहाँ पर रहने वाले उनके साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, ये हमारे सी एम साहब कहते हैं। इसलिए वो हमेशा कहते हैं मुलाजिमत में हो तालीम में हो मुसलमान भी दूसरी कौमों की तरह बराबर का हिस्सा हासिल करें, तरक्की करें, और कई एक अच्छे से स्कीम ला कर बिना मजहब मिलन सारे लोगों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। मिसाल के तौर पर आज सी एम साहब अभी कुछ एज में इजाफा कंप्लीमेंट किए तो पेंशन ओल्ड एज लोगों को देते, आज 2116 रुपये दे रहे, इसकी उम्र भी 57 साल घटा दी गई है। और बात बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे स्टेट से यहाँ के लोगों को अवेयर बिल्डअप कर देते हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहन एक बार चक्कर कहते हैं एक दूसरी बार चक्कर नहीं करते परेशान हो जाते हैं। अब हर चीज़ के लिए पहले करना चाहिए, हमारे हाथ में रहना चाहिए, यहाँ हुकूमत देने के लिए तैयार है। आज हम जितने ओल्ड एज पेंशन है हजारों में लाखों लोगों को दिया जाता है, हमेशा में ऐसे स्कीम नहीं थे, शादी उम्र की स्कीम है। मैं देखता हूँ हमारे बहनों के लिए आते हैं मेरे बहुत से लोग भी, और उसके बाद भी 100% से इस्तेमाल हमारी बहनें करना चाहिए। इमाम और मौजन जो वजीफा दिया जाता है हदिया जाता है, तो हमारी स्टेट इंडिया में नंबर वन है, जो 10,000 इमाम और मौजन को उनका हदिया देने वाली स्टेट है। और मेरी बहनों और भाइयों से कहता हूँ बड़े अच्छी तरीके से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, आज का जमाना कॉम्पिटिशन का आ चुका है। अगर आप समझेंगे पासिंग मार्क्स लाएंगे तो नहीं होगा, आज कॉम्पिटिशन में बैठना पड़ता है। बहुत पहले की बात है, आज से 100 साल या 50 साल पहले लोग अगर डिग्री में जाते थे तो बहुत अच्छा जॉब मिल जाता था, घर के आदमी पास होते तो जॉब मिलता था, पर आज कॉम्पिटिशन का दौर है, रात दिन मेहनत भी है, लेकिन मेहनत से ही मंजिल मिल सकती है। और वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है, कि फोन बहुत अच्छी चीज़ है पर इसका इस्तेमाल गलत किया जा रहा है। आजकल खासतौर से मुसलमानों में देखता हूँ हमारे भाई और हमारे नौजवान बच्चे जिस तरह फोन को इस्तेमाल करना है उसके बजाय उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना है, उसको टाइम पास के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वक्त बर्बाद हो जाएगा, वक्त जाने वाला वक्त फिर नहीं आ सकता है। वक्त की बड़ी अहमियत है, इसे हमारे नौजवान हमारे स्टूडेंट बनाना चाहिए कि वक्त एक बार जाने के बाद पलट कर नहीं आ सकता, और उसी वक्त को अभी बात समझ कर अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कीजिए। हमेशा सोचिए कि टाक बिलाते जाएंगे, इंसान इंशाल्लाह जब भी मेहनत करता है अल्लाह ताला कभी किसी को रहा नहीं करते, वो बराबर जो मेहनत करते हैं उसके लिए वो तरक्की देते हैं। इसलिए हमारे टीचर्स में एक बात कहता हूँ, टीचर्स से हमारे कलाम साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, हालांकि इस्लाम में तो दूसरा जन्म की बात नहीं है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आप तो एक साइंटिस्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट बने जो सारी दुनिया में मशहूर है, और आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन चुके हैं, आप अगर दूसरे जन्म में पैदा हो तो क्या बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं टीचर बनना चाहता हूँ।
तो टीचर की बड़ी अहमियत है, आप ही की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। आप जो अपने बच्चों को जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा कि बच्चों को चाहते हैं कि तरक्की देकर अगर कोई खुश होने वाला होता है वो पहले माँ बाप हो जाए उसके बाद टीचर हो जाए। तो टीचर का बहुत बड़ा रुतबा है, उनका एहतराम करना चाहिए और मैं तमाम स्कूल के मैनेजमेंट को प्रिंसिपल साहब को बार रुपए को दिल की गहरा से मुबारकबाद देता हूँ। दुनिया में सबसे अजीम इंसान जो होता है वो एजुकेशन देने वाला इंसान होता है। आदमी तो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है, होम मिनिस्टर भी बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है, मगर स्कूल चलाना मामूली बात नहीं है, लोगों को तालीम देना मामूली बात है, ये बहुत ज़रूरी है और ख़ासतौर से हमारी बेटी के लिए। मैं तमाम मैनेजमेंट का, फारूक भाई का, प्रिंसिपल साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि बात की कदर कीजिए। खासतौर से मेरे पास आते हैं लोग साहब, रात में पुलिस पुलिस गाड़ी जो है पता है कि तो बिरयानी का मुझे नहीं, दो बजे रात को फ़ोन करता है, मेरे पास जो नंबर है तो आज से जिस वक्त फ़ोन आया था 1998 में वही नंबर आज तक वही नंबर है मेरे पास। कभी मैं होम मिनिस्टर बनकर फोन नंबर नहीं बनता, बहुत से लोग कहते हैं कभी कभी घर में भी इतराज होता है कि फोन नंबर क्यों आप बदल दीजिए। मैं कहता हूँ कि लोगों के पास, गरीबों के पास यही नंबर है कि नंबर बदलूँगा तो मैं नंबर नहीं मिलेगा और बुरे वक्त पर अगर मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा तो उनकी मदद नहीं कर सकता। रात के 2 बजे दो तीन से फिर बच जाते हैं, रिक्वेस्ट से उनका फोन आया तो बोलते साहब पुलिस वाले गाड़ी पकड़ लिए। अरे क्यों पकड़ लिए, हम 3 अपनी गाड़ी में बैठे जाए, अरे 2 बजे के रात फोन कर रहेगा सर, हमारे लोग हमसे जो काम ले रहा है वो कम लेते हैं, बेकार किसी पर टाइम खराब करते हैं। तो मगर मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं अरे आप 1900 को फोन क्यों उठाते, आप उठाने की जरूरत नहीं है। बस भाई कोई एक आदमी भी मैं तकलीफ दूर कर सकूँगा वो मेरे लिए बड़ी राहत का दरिया हो जाएगा, मेरी आदत सुधर जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी फोन करते जरूर कोशिश करता हूँ कि फोन उठाकर बात करें। अगर कोई आदमी बीमार है तो मैं इमीडिएट एम्बुलेंस भेज सकता हूँ, कोई बीमार है इमीडिएट डॉक्टर में शरीक कर सकता हूँ, कोई परेशान है तो इमीडिएट मदद कर सकता हूँ। फोन उठाएगा तो मदद करूँगा, फोन नहीं उठाया तो क्या हूँ, इसलिए मैं फोन उठाते रहता हूँ कि तो मेरी ड्यूटी है। मैं पहले बता दिया फारूक भाई ने मेरे बारे में जो बात कहे तो मैं कहा मैं अगले हूँ सर या डिजी सिम हो मेरी मेरे भाई और बहनों का मैं शादी को खिदमत करना हमारी फरीदा है, इसलिए मेरे बहनों और मेरी लड़कियों मेरी बेटियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि डबल की बहुत कदर करो, जितना पढ़ेंगे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना मंजिल तक पहुँच सकते हैं और उतना तरक्की कर सकते हैं। और तजारत भी उसी तरह है, जो आदमी मेहनत करता है वही तरक्की करता है, डिग्री रखने पर तरक्की नहीं करता, उसके पास मेहनत की कैपेसिटी होना चाहिए, सोने से गुजरे होता। हमारे कौम का ये हाल है, जो टाइम सोने के लिए अल्लाह ताला दिया वो टाइम जागते हैं और जो टाइम जागने का है मेहनत कर रहे हैं वो फिर जाके सोते हैं। मैं देखता हूँ बाबा बोलते हैं भाई 2 बजे उठते हैं, 1 बजे दोहर के बाद उठते हैं। एक बार मेरी दावत की गई, बहुत बड़े पैमाने पर दावत की गई, अच्छी से मैं कर रहा हूँ और क्या दावत में, तो वो लोग मुझे बताए बहुत अच्छी दावत रखे, अच्छा किला भी रहे। मेरे बोले साहब ये साल में हम उठे तो सबसे पहले पहली मतलब इतना जल्दी उठे, मैं बोला भाई ये तो दोपहर का खाना खिला रहा है मेरे को सुबह का नाश्ता तो लेके आ रहा है, तो बोले साहब तो 5 बजे के बाद उठते। मैं बोला अरे ये तो बहुत गलत बात है, सुबह उठना चाहिए ना, फजर पड़ गया सोते असर को उठते, अरे जोर कह के छोड़ते भाई तो दिन में काम क्या करते। तो मेरी गुजारिश है कि सुबह उठना चाहिए और एक खास बात है, क्योंकि हमेशा हमारे नौजवान लड़कियाँ हैं लड़के घरों का खाना खाना चाहिए, घर में पका कर खाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ बहुत से बीमारियाँ बढ़ते जा रहे हैं, कई लोगों की किडनी खराब हो रहे हैं, कई लोग कई प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, उसकी वजह से गड़ियों पर ठेले पे फोन पे मंगा लेते खा लेते। हमारी बहनें हमारे बच्चों से गुजारिश है सुबह उठना चाहिए, घरों में अच्छा पकवान करना चाहिए, अपने भाई हो अपने माँ बाप हो या शादीशुदा लोग अपने शौहर को अपने खानदान को सुबह का नाश्ता अपने हाथ से बनाकर खिलाना चाहिए। हमने लिए आदत पड़ चुकी है कि 2 बजे 1 बजे 12 बजे उठेंगे, इससे भी एहतियात करना चाहिए। लाइफ एक प्रैक्टिकल होती है, थ्योरी नहीं है, टीचर है और जिंदगी का सिस्टम अगर सुधार लेंगे एक सिस्टम में जिंदगी लेकर चलेंगे तो हमेशा जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। तो आज का दौर तो बहुत ही गिराने का दौर चुका है, बहुत आजमाइश का दौर चुका है, बहुत अच्छी इनकम की जरूरत है, इसके लिए उतनी मेहनत की भी जरूरत है। मेरे लड़कों से मैं गुजारिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें, आप अगर तालीम हासिल करेंगे तो आपकी शौक हुआ अच्छा रास्ता बता सकते हैं, साफ सुथरे को अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें तालीम का बहुत बड़ा असर होता है, जितना बच्चा तालीम हासिल करेंगे उतनी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके लिए मैं स्कूल मैनेजमेंट का फारूक भाई का तमाम लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे बुलाया गया। इंशाल्लाह
लेकिन भी मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, जब भी जरूरत रहेगी। और तारीफ के मामले में तो मेरा सीजन नहीं था टीआरएस में आने पर, मुझे बहुत से लोगों ने पार्टियों का ऑफर किए। मैं कहा कि बड़ी पार्टी में जाएंगे, हुकूमत बनेगी तो लोगों के बारे में हमको अच्छा काम करके उनकी तरफ से मिला सकते हैं। हमारी गाँव की सीए सी एम साहब ने मुझसे तो सी एम साहब ने कहा थे 500 तक इसमें बोलेंगे, और हालात की वजह से मुझे आगे हम जरूर कोशिश करेंगे। हमारे बच्चे कम से कम लाखों की तैदा में बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे। सरकारी स्कूलों में एक पैसा देने की जरूरत है तो आज दे दी जा रही है, तो बच्चे से स्कूल खोले और इसे आगे बढ़ाते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे गाँव को अच्छी से अच्छी तालीम मिले, भाई जो तरीके से जिंदगी गुजारे। मुझे वक्त देने पर मैं फिर भी आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माशाल्लाह मुझे आज बड़ी खुशी हुई, रीजनरी डिग्री कॉलेज का आज ये जो प्रोग्राम रखा गया, क्योंकि हमारे बुरादराम फारूक भाई साहब के, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि फारूक भाई एडमिनिस्ट्रेशन से तो भाई कोई कंसर्न नहीं होगा, मगर फारूक भाई हमारे बड़े ही हमदर्द और मुखलिस शख्सियत का नाम है। और वो खामोश तरीके से मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करते रहते हैं। जैसा कि इस प्रोग्राम में हमारे महमूद अली साहब को इन्वाइट किया गया, लेकिन अभी नहीं आए, इंशाल्लाह आएंगे कुछ ही देर में। वो हमारे ब्रदरम सैयद फहीम साहब इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, अभी जो आप जिनकी बिल्कुल एक तकरीर सुन रहे थे, निश्चित बिल्कुल फातिमा करस्पॉन्डेंट टाइम पर तशीर फरमा, जिम्मेदारान तमाम इस कॉलेज के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, ये बड़ी अच्छी बात है इस किस्म के प्रोग्राम रखकर। और हमारे प्रोफेसर साहब जैसे काबिल आदमियों को इनवाइट करने से, जिससे आपको काफ़ी मालूमात में इजाफा होता है, क्योंकि आज के ज़माने के अंदर तालीम बेहद ज़रूरी है। जब इंसान के अंदर तालीम आती है तो उसमें शऊर पैदा होता है और अच्छे बुरे की तमीज़ होती है। खसूस कर इस मुल्क के अंदर आज जो हालात पैदा हो रहे हैं, हमको तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। खसूस कर हमारी बहनों को तालीम से आरास्ता होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तरीके तरीके से नए नए कवानीन निकाले जा रहे हैं, बुरके के ताल्लुक से, इसका बनने के ताल्लुक से। बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कि और बहुत सारे तब्दीलियाँ आएंगे, खसूस कर हमारी कम्युनिटी के ऊपर और बहुत सारे मजालिम खाए जाएंगे। हमको अभी से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है और हम आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। हमको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ताकत के मानने वाले हैं। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, हमको डरने और घबराने की जरूरत है। हमको इस मुल्क में रहना है और हालात से मुकाबला करना है। खासकर हमारे आपस में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि चूँकि मैं भी काफ़ी अच्छे से 40 वर्ष से पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, जब हमारे मुनाफतें मिलत पर तफरखा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की बातें की जाती हैं, हमको समझना चाहिए, हमको उनसे होशियार रहना चाहिए। क्योंकि इनका मकसद सिर्फ यही है कि मिलत के अंदर तफरखा पैदा करे। और खसूस कर आज कल 10-15 साल से मुख्तलिफ उनवानों पर मुख्तलिफ अकायद के तहत हमें तफरका पैदा किया जा रहा है,
हमको एक दूसरे से दूरी पैदा की जा रही है। तो चूंकि आप लोग तालीम याफ्ता हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप इन चीज़ों को समझना चाहिए और समझकर बड़े ही संजीदगी और समझदारी के साथ आप लोगों को वक्त के तकाजे के साथ साथ काम करने की जरूरत है। तालीम एक ऐसी चीज है जब आप ये हासिल करेंगे। अभी मेरे ब्रदर कह रहे थे कि हमें आईएएस आईपीएस ऑफिसर निकलना चाहिए क्योंकि अब ये बेहद जरूरी है और वकालत का पेशा भी हमको अपनाना चाहिए। आज आप देखिए कि कानून के जरिए हमको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। हमारे फिर तबके के अंदर विकला की बहुत सा कमी है। हमको अच्छी तालीम हासिल करके विकालत पेशे के अंदर भी चाहे हमारे बहनों को और हमारे भाइयों को वो पेशे को अपनाना चाहिए ताकि आपको कवानी मालूम हो सकें। आप कानून जब मालूम होगा तो बदमाशी किसी भी तरीके से होगी तो आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से विजनरी डिग्री कॉलेज के तमाम स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ।